सो हे एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। दिस इज दीक्षा एंड यू आर वॉचिंग PDS CAD एक्सपर्ट। सो आज के इस वीडियो में हम स्केचअप के अंदर एक कंप्लीट इंटीरियर सीन को डिजाइन करने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर किस तरीके से आपको AutoCAD फाइल को इम्पोर्ट करना है एंड इम्पोर्ट करने के बाद उसपे 3D के अंदर काम कैसे करना है, सो ये कम्प्लीट चीजें रहेंगी जो आज वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। प्लस इस वीडियो के अंदर हम मटेरियल एंड लाइटिंग के ऊपर भी वर्क करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको स्केचअप को ऑन कर लेना है एंड ऑन करने के बाद हम इसमें AutoCAD फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइल टैब में जाएंगे, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपकी फाइल है आपको उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लोज करेंगे इसे, तो जितनी भी फाइल्स रहेंगी वो आपकी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। सो ये वाला जो प्लान है ये हमारा वर्किंग प्लान है एंड इस वाले पोर्शन के अंदर हमने बाकी की डिटेल्स दी हुई है। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉल्स को ड्रॉ करना। तो वॉल को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से शेप्स में से रेक्टेंगल को ले लेना है एंड जितने पोर्शन के अंदर यहाँ पे वॉल्स हैं उतने पोर्शन में हम इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो सभी जगह पे मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ से पुश पुल के ऑप्शन पे चूज करूंगी और यहाँ से मैं इसको 11 फिट एक्सट्रूड कर ली हूँ। सो एक बार एक्सट्रूड करना है आपको, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे जस्ट, तो डबल क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली 11 फिट की हाइट पे एक्सट्रूड हो जाता है बिकॉज वो प्रीवियस वाले को कंसिडर करता है। तो फिर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं एंड ड्रैग करके आपकी तरफ ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ले लेना है रेक्टेंगल को और जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स है इसमें उसको हम इस तरीके से रिमूव करेंगे। ओपनिंग्स को ड्रॉ करने के लिए इतना जो पार्ट रहेगा इसे मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज मैंने सभी लाइंस को रिमूव कर दिया है, जस्ट मुझे यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करना है एंड कंट्रोल के साथ मैं नीचे की तरफ मूव करूँगी 2 फिट। इतना करने के बाद ये वाले जो लाइंस रहेंगी इसको हमें यहाँ से अटैच करा देना है। यहाँ पे हम अलग से ड्रॉ करेंगे, इतना कर लेना। आपको सिलेक्ट करना है पूरे पार्ट को, यहाँ से उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। आप चाहते हैं तो इन लाइंस को भी रिमूव कर सकते हैं फिर से। इतना कर लेना आपको। इसके बाद यहाँ पर जो हमने प्लेस करना है वो ग्लास के फॉर्म में करेंगे। सो इसमें ये वाला प्लान रहेगा हमारा। तो आपको करना क्या है, जितने पोर्शन के अंदर यहाँ पे ये ओपनिंग है वहाँ पे हम इस पर गैप देंगे, बाकी पोर्शन में हम सिंपल इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ से चूज कर लेंगे वैसे ही रेक्टेंगल को एंड बाकी पोर्शन में इस तरीके से आपको यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। इसके बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्रॉ हो गया है इसको हमें डिलीट कर देना है सिंपल सिलेक्ट करके। कंट्रोल के साथ आपको सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप क्या कर सकते हैं, जितने पोर्शन के अंदर ये हमने ड्रॉ किए हैं वहाँ पे आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं।
जितना भी पोर्शन रहेगा वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर एंट्री करेंगे और ये जो लाइंस रहेंगी इसको हमें रिमूव कर देना है। तो यहाँ से पहले हम इसको रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेना आपको रोटेशन का टूल एंड इस पोर्शन में इसको यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट करेंगे। ये वाला फेस मिल जाएगा आपको, सिलेक्ट करना है और इस पोर्शन से सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पे भी आपको इसको प्लेस करना है आप इस तरीके से उसे प्लेस कर सकते हैं। तो प्लेस करने के बाद अब इस वाले पोर्शन के अंदर डोर रहेगा एंड इस पोर्शन में विंडो रहेगी, तो हमें इसको फ्लिप करना होगा। तो फ्लिप करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और फ्लिप कर देंगे हम इसे रेड डायरेक्शन के अलोंग। इसके बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। तो जितने पोर्शन के अंदर यहाँ पे ये एडजस्ट करना है आपको, आप इसे सिंपल एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन हम इसको हाइट के अंदर से भी स्केल कर देंगे। इतना कर लेना आपको और उसके बाद हम इसे थिकनेस देंगे। सो डबल क्लिक करेंगे इसे, उसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे इतने लेंथ तक। सो इतना कर लेना आपको और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फ्लोर है ये वाला पार्ट डिलीट हो गया है। अब डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे एंड जितने पोर्शन में डिलीट हो गया है वहाँ पे हम एक सिंपल रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो ग्राउंड रहेगा हमारा, मतलब जो फ्लोरिंग रहेगी उसको हमें बनाना है, तो उसके लिए भी आपको सिंपल यहाँ से रेक्टेंगल ले लेना है और इस टाइप से एक बॉक्स को क्रिएट कर देना है। एक्सट्रूड कर देंगे उसको हम यहाँ पे 9 inches, सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और उसको ग्रुप के अंदर यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ वाला जो पार्ट रहेगा, इतने पार्ट के अंदर आपको शो भी हो रहा होगा, सो इतने पार्ट के अंदर यहाँ पे हमें कैबिनेट्स एंड शेल्फ बनानी है एंड इस पोर्शन के अंदर हमारे यहाँ पे काउंटर रहेगा। सो यहाँ पे शेल्फ एंड काउंटर वगैरह के लिए आपको यहाँ पे ये ड्रॉइंग्स हैं। तो इतने पोर्शन में पहले हम लोगों को ये शेल्फ वाली ड्राइंग रहेगी, तो सेम जैसे हमने इस वाले पोर्शन के अंदर ड्रॉ किया था सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊंगी। यहाँ पे जो ये वाला रहेगा इसको मैं शेल्फ की जो विड्थ रहेगी यहाँ पे उसको मुझे 1 feet and 3 inches लेना है। मीन्स लेवल जो रहेगा इसका, ये वॉल रहेगी, वॉल से यहाँ पे इसका लेवल 1 feet and 3 inches रहेगा एंड ये जो मेरी कैबिनेट्स रहेंगी यहाँ पर इसको मुझे 2 feet रखना है। तो सेम तरीके से करूंगी मैं यहाँ पे भी।
तो मैं यहाँ से इसको 1 feet and 3 inches एक्सट्रूड करूँगी, तो इस टाइप का बन जाएगा आपका। एंड नीचे वाले पार्ट में जो ये रहेगा, इसको मुझे यहाँ से 2 feet एक्सट्रूड करना है। तो ये लाइंस को रिमूव कर देती हूँ मैं। इसके बाद सिलेक्ट करेंगे इसे एंड यहाँ से इसे रोटेट करेंगे। तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे ये जो हमने शेल्फ के लिए बोला था मैंने, इसको हमें कंप्लीट करना है। सो पहले तो हमें इसको एक्सट्रूड कर देना है नीचे वाले पार्ट तक। यहाँ तक रखेंगे इसे, कंट्रोल के साथ जाएंगे आगे एंड इसको यहाँ से इस तरीके से कवर करेंगे। दूसरे वाले पार्ट में ऑलरेडी कवर है ये, और ये जो लाइंस है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगी। देन हमें यहाँ पे शेल्फ्स को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए बाहर से अलग से ड्रॉ कर रही हूँ मैं उसे। तो 2 feet का रखेंगे हम यहाँ पे, तो लाइन ले लेंगे एक एंड यहाँ पे इस तरीके से 2 feet का एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। बॉटम व्यू, बॉटम जो एक्सिस रहेगी उसको लॉक करना है आपको, तो ब्लू एक्सिस को लॉक करेंगे। तो उसके लिए जो अप वाला एरो होता है जिससे आपको उसको प्रेस करना है एक बार, और उसको यहाँ पे हम टॉप तक ले जाएंगे। स्टेप से आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है, देन उसको हम यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे 3 inches। तो उसको हम यहाँ से 2 inches एक्सट्रूड करेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है ये, 1.5 inch चाहिए, तो इसको भी 1.5 inch करेंगे हम, 1.5 inches। सिलेक्ट करना है पूरे पार्ट को, ग्रुप के अंदर इसको फिर से कन्वर्ट करना है। देन इसको अंदर की तरफ हम यहाँ पे मूव कर देंगे। इसके बाद आपको इसकी कॉपीज ले लेनी है। सो यहाँ से हमें क्या करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन लेंगे और यहाँ पे 1 inch का हम गैप रखेंगे सभी जितने भी शेल्फ्स रहेंगे उसके बीच में। लाइन को हम आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। इसके बाद सिलेक्ट करना है आपको और इसको यहाँ से पिक करना है कंट्रोल के साथ। अब आपको इसकी जितनी कॉपी चाहिए उसको आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे एक्स को प्रेस करना है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई की तरह कंसिडर होगा ये, एंड जितनी भी कॉपी चाहिए, सपोज मुझे 5 चाहिए, मैं 5 टाइप करूंगी एंड देन इसको एंटर कर दूंगी। इस तरीके से कर सकते हैं आप। एंड जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे हम सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी को डिलीट नहीं करना है आपको, और यहाँ से हम उसको इस तरीके से स्केल कर देंगे। एंड जो बीच में हमने गैप दिया है इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना है, जितने पोर्शन के अंदर गैप है वहाँ पे हम इस तरीके से रेक्टेंगल को बनाएंगे। ये वाला पार्ट हमें इसके ग्रुप के अंदर जाके करना है। तो यहाँ पे आपको बना लेना है रेक्टेंगल को, और इतने पार्ट को सिलेक्ट करना है आपको और इसको हर एक की कॉपीज पे रख देना है। इसके बाद डिलीट कर देंगे सेंटर वाले फेसेस को। तो यहाँ से कवर हो जाएगा एंड ये हमारे डिवाइड हो जाएंगे। आप चाहते हैं तो आप ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। एंड सेम हम इस टाइप का यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, स्केल कर देंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें। इसके बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा जहाँ पे हमें काउंटर को बनाना है,
वहाँ पे जैसे इसके अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल कॉर्नर पे है, मतलब इसके कॉर्नर है यहाँ पे शार्प है। तो या तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी काउंटर को प्लेस करना है तो आप या तो 3D वेयरहाउस से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस टाइम इसको बना रही हूँ। तो बनाने के लिए करना क्या है आपको, पहले तो रेक्टेंगल को ले लेंगे जितने पोर्शन के अंदर है ये नॉर्मल, वहाँ पे रेक्टेंगल को बनाएंगे और यहाँ से उसको करेंगे एक्सट्रूड। फिर एक्सट्रूड करने से पहले ही आप यहाँ पे एक आर्क बना सकते हैं, तो मैं यहाँ से ले लूँगी 2 पॉइंट आर्क और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको इस टाइप से एक आर्क को ड्रॉ करना है। सेम मैं यहाँ पे इसी टाइप की आर्क को इधर लूँगी, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेंगे और इस पॉइंट तक रखेंगे इसे, एंड सेम इस वाले पोर्शन के अंदर। इसके बाद सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इसमें, मतलब जहाँ पे हमने उसको ड्रॉ किया है उसको हम इस तरीके से रिमूव कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे हम एक्सट्रूड करेंगे। सो इसको ओवरऑल 4 फिट करना है मुझे, तो इतना रखूँगी मैं इसे और ये वाले जो लाइन्स है इसको मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दूँगी। इसके बाद एक बार जो मैंने यहाँ पे फ्लोरिंग की थी, फ्लोरिंग वाले पार्ट को मैं हाइड कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको बॉटम से शो करती हूँ। ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पे, सो इधर हमें ग्लास का मटेरियल लगाना है, सो आपको डबल क्लिक करना है और इतने पोर्शन में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। सिलेक्ट करेंगे उस पार्ट को और कंट्रोल के साथ मूव करेंगे यहाँ पे 1 फिट एंड 3 इंचेस। तो इसके बाद रख रही हूँ मैं इसे यहाँ पे, फिर से कंट्रोल के साथ जाएंगे ऊपर तक रखेंगे इसे बिल्कुल टॉप तक और इस वाले पार्ट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है और उसको मूव करके पीछे वाले पोर्शन तक ले जाना है, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको काउंटर को ड्रॉ कर लेना है, इतने पोर्शन में हम यहाँ पे ग्लास वर्क करेंगे। सो उसके लिए भी हम सिंपल यहाँ से रेक्टेंगल का यूज़ कर रही हूँ मैं, फिर आप पेंसिल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जस्ट एक इस टाइप का ट्राइंगुलर शेप बनाना है मुझे, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बोल सकते इसे, पॉलीगन ही है ये, बट ये वाली जो एज रहेगी इसकी उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट के अंदर लिया है इसको। तो इस तरीके से बनाएंगे इसे और इसके बाद इसमें ऑफसेट देंगे हम यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन है ऑफसेट का, सिलेक्ट करना है इसे और यहाँ से हम इसे ऑफसेट देंगे अराउंड 2 इंचेस, वो ज़्यादा ही है तो इसको मैं यहाँ से इसे ऑफसेट देंगे 1 इंच, एंटर करेंगे और जो मिड वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे इसे और इसे बिल्कुल बॉटम वाले जो सेकंड वाला फेस है इसका वहाँ तक ले जाएंगे। सेम जैसे हमने यहाँ पे ऑफसेट दिया था तो यहाँ पे ग्लास वर्क आएगा, तो इतने पोर्शन में भी हमें इसको रिमूव करना होगा, तो यहाँ से ले लेंगे ऑफसेट 1 इंच का एंड अप की तरफ से भी 1 इंच का ऑफसेट लेंगे और पीछे वाले पार्ट में हमें इसको फ्री रखना है। सो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इस फेस को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, या फिर डिलीट नहीं करना चाहते आप तो इस फेस को सिलेक्ट कर लीजिए, हाइड सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और आई को प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से हम हाइड कर देंगे। इसके बाद आप जैसे बाकी फेसेस को हमने रिमूव किया था आप यहाँ से भी इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ से एडिट टैब पे जाना है, अनहाइड करना है एंड यहाँ से हम ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे वो यहाँ पे अनहाइड हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है मैं इसको यहाँ पे मिड के अंदर भी रख रही हूँ, सो डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे, इतने पार्ट को सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसका जो मिड रहेगा वहाँ पे हमें इसको प्लेस कर देना है। इसके बाद इसको आपको एक्सट्रूड कर लेना है यहाँ से,
लास्ट हमें यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हमें कवर करना है, या फिर आप ओपन भी रख सकते हैं इसे। आपको ले लेना पेंसिल को यहाँ पे और इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करना है, और इतने पोर्शन में हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल को बना लेंगे। फिर मैंने लाइन से ही कवर कर दिया इसे, और इसको एक्सट्रूड करके यहाँ तक ले जाएंगे। ये वाला व्यू लेंगे और कंट्रोल के साथ इसको इसके मिड जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वहाँ तक रखना है। पहले ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, और यहाँ से इसके मिड से आपको इस टाइप से एक लाइन को ड्रॉ करना है, एंड इस पोर्शन से करेंगे हम। इसके बाद ऑफसेट लेंगे, इसके बाद आपको बाहर की तरफ एक लाइन को ड्रॉ करना है, और ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, इसको उसको सिलेक्ट करना है, और ये वाली लाइन जो हमने बाहर बनाई है इसके मिड तक रखेंगे हम इसे। ये वाली लाइंस को इरेज कर देंगे, और यहाँ पे ही हमारी दो ओपनिंग रहेगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ से ऑफसेट को ले लेना है, ग्रुप के अंदर जाना है, और यहाँ से हम इसमें ऑफसेट देंगे अराउंड 1 inches। टॉप व्यू से भी देंगे हम इसमें ऑफसेट, और इसको पीछे की तरफ 0.2 inches हम मूव कर देंगे। इस तरीके से, और इसी के हम यहाँ से एक कॉपी को ले लेंगे, तो कंट्रोल के साथ मूव करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। देन किसी भी एक डोर को, या फिर आप चाहते हैं तो दोनों को ही आप बिल्कुल हल्का सा ओपनिंग के अंदर शो कर सकते हैं। इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हमने इसे शो किया था यहाँ पर आपको इस टाइप का एक टैग शो होगा, सो आपको उसमें डबल क्लिक करना है, इतने टैग को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल से करेंगे, बाहर की तरफ आएंगे और बाहर की तरफ हम इसे कंट्रोल वी कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद आप इसको सिंपल एक्सट्रूड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसके टेक्स्ट की जो वैल्यू रहेगी, मैं इसको 3 inches एक्सट्रूड कर रही हूँ। इतना करने के बाद सिलेक्ट करेंगे इतने पार्ट को और इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे इस टाइप से बनेगा ये, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको पिक करके जहाँ पे हमारा मेन है ये, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे। देन पीछे वाले पार्ट के लिए आपको जो ये शेप दिया हुआ है यहाँ पे, इस स्टेप से हम एक रेक्टेंगल को बना लेंगे और यहाँ पे इसे मूव करेंगे नीचे की तरफ 1 inch। सिलेक्ट करेंगे नीचे वाले पार्ट को भी, और उसको भी हम ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दोनों पार्ट को सिलेक्ट करना है और आपको इसे रोटेट कर लेना है, या फिर आप पहले आप मूव कर लेंगे देन बाद में हम इसे रोटेट कर लेंगे। आप एक बार ऊपर से चेक कर लीजिए कि कितने पार्ट नीचे के हमें इसको प्लेस करना है। तो यहाँ से ये अराउंड 1 foot रहेगा। सो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। पिक करेंगे एंड देन हम इसको इसकी पोजीशन पे प्लेस कर देंगे। सो इतना करने के बाद हमें यहाँ पे सोफा वगैरह को प्लेस करना है।
सो उसको हम डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे 3D वेयरहाउस से, एंड इतने पोर्शन के अंदर ये वाला जो पार्ट रहेगा रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपको ले लेना है रेक्टेंगल को और यहाँ पे इस तरीके से आपको उसे ड्रॉ करना है। हाइट देंगे उसे इतने पार्ट तक, सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एंड अगर आपको इस प्लान में विजिबल है सो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमें इस टाइप का मतलब इतने पोर्शन के अंदर कोव लाइट आएगी। सो ये वाला तो सॉलिड रहेगा एंड ये वाले जो दोनों रहेंगे इसमें हमें कोव लाइट को प्लेस करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रेक्टेंगल को ले लेना है और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना और इतने पोर्शन में एक रेक्टेंगल को बनाएंगे। सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और ग्रुप के अंदर इसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे कितना रहेगा, ये 3x3 इंच को नीचे मूव करना है हमें इसे। यहाँ से इसे कर लेते हैं हम रोटेट 90 डिग्री एंड इस वाले पोर्शन से भी करेंगे। प्लेस करेंगे इस पोजीशन पे और इसे यहाँ से 3 फिट एंड 3 इंच बॉटम की तरफ मूव करेंगे। देन ग्रुप के अंदर जाएंगे और इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे इस पोर्शन तक। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको भी मैं बॉटम तक रख रही हूँ, तो यहाँ से ले लेंगे इसे और इसे बिल्कुल बॉटम तक रखेंगे। इसके बाद ये वाला जो पार्ट हमने यहाँ पे बनाया था, रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसमें आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसको ऑफसेट दे रही हूँ 3 इंचेस का इस तरीके से। इसके बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा इसके मिड से मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। नीचे वाले पार्ट को हम इरेज कर देंगे एंड ये वाला जो पार्ट है इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो इस तरीके से ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे, एंड इसको चाहते तो आप हल्का सा स्केल कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में इतना ही रखना है हमें, एंड इसके बाद ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पे आपको इसकी भी ड्रॉइंग्स मिल जाएंगी। ये वाली ड्राइंग रहेगी इसकी, तो इसमें यहाँ पे भी हमें सेम रखना है जैसे हमने वहाँ पे रखा था। ये नॉर्मल सॉलिड रहेगा हमारा एंड इधर हमें कोव लाइट को प्लेस करना है। सो पहले यहाँ पे इस तरीके से हम एक बना लेंगे या फिर आपको वहीं से कॉपी कर लेना है इसे। तो हमने यहाँ पे जो बनाया था इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल के साथ जाएंगे, इसको मूव करके यहाँ रख देंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ पे जैसे इसको प्लेस कर लिया है, इसके बाद हमें यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर शेल्फ्स को बनाना है। सो यहाँ पे शेल्फ बनाने के लिए मैं सिंपल वही रेक्टेंगल लूँगी इन जहाँ पे जिस तरीके से मैंने बाकी का पोर्शन को ड्रॉ किया है मैं यहाँ पे भी उसे ड्रॉ कर दूँगी। Thank you.
इसके बाद इस वाले पोर्शन के अंदर हमें रेफ्रिजरेटर को प्लेस करना है एंड ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम इसको स्लैब बोल सकते हैं, तो स्लैब टाइप का ड्रॉ करना है हमें जस्ट इसके पैरेलली। सो इस पे डबल क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे इस टाइप के एक स्लैब बना देंगे। थिकनेस हम इसकी भी 1.5 ही रखेंगे। सिलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और उसको यहाँ से मूव करके इस पोर्शन पे प्लेस कर देंगे। इसके बाद जो बेसिक है हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इतने पार्ट के अंदर था वो हमने बना लिया है। अब जस्ट हमें यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन रहेगा किचन वाला हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपको एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हम स्लैब की थिकनेस 1.5 रखेंगे। सेलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को और कंट्रोल के साथ मूव करेंगे अप की तरफ एंड यहाँ पर हमें इसे 3 फिट के डिस्टेंस पे रखना है। सो ये वाला पार्ट रहेगा ये कैबिनेट का रहेगा एंड यहाँ पर हमें स्लैब बनानी है। सो आप इसको एक बार के लिए हाइड कर रही हूँ मैं नीचे वाले पार्ट को ताकि मैं यहाँ पे स्टोव के लिए स्पेस बना सकूँ। इसको हम डाउनलोड करेंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल जेड करती हूँ मैं बिकॉज मुझे यहाँ पे जस्ट उसको प्लेस करना है। तो सिलेक्ट करेंगे दोनों पार्ट को और उसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद पेंसिल लेना है आपको, यहाँ से 1.5 टाइप करना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम डोर एंड विंडो को प्लेस करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे विंडो रहेगी तो हमें यहाँ पे इसको कवर करना है और यहाँ से हमें इसको एक्सट्रूड करना है अराउंड 4 फिट। सो इतना रख रही हूँ मैं इसे। इसके बाद डोर एंड विंडोज के लिए मैं यहाँ से यूज कर रही हूँ इस प्लगइन का। तो आपको यहाँ पे ये 1001 बिट टूल है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन वेयर हाउस से। तो आपको करना है क्या होता है इसमें, जैसे इस पोर्शन के अंदर मुझे डोर को प्लेस करना है तो आपको यहाँ पे डोर पैनलिंग वगैरह ये सभी के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ से रेक्टेंगल को ले लेना है एंड जितने पोर्शन में डोर चाहिए वहाँ पे इस टाइप से हमें एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। अब पैनलिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट डोर फ्रेम है उस पर क्लिक करेंगे आप
एंड इसके बाद जितना आपको डेप्थ चाहिए, यहाँ पे शो भी कर रहा है कि कितना विड्थ चाहिए एंड कितना डेप्थ चाहिए आपको, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 3 इंचेस की हमारी यहाँ पे फ्रेम रहेगा एंड यहाँ से हाफ हाफ इंचेस के, वैसे ये तो हाफ हाफ इंचेस रखेंगे हम दोनों ही चीजों के। तो यहाँ से ले लेते हैं क्रिएट डोर फ्रेम। सो ये रहेगा हमारा हाफ इंच एंड इसको भी हमें यहाँ से हाफ इंच रखना है। क्रिएट करेंगे डोर फ्रेम को और जस्ट आपको उसके ऊपर एक बार क्लिक करना, तो इस टाइप से आपका जो फ्रेम रहेगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं तो सिंपल जैसे बाकी कंपोनेंट्स है उसी की तरह बिहेव करेगा ये, तो आप इसके अंदर कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड विंडो के लिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आपको नॉर्मल विंडो लगाने तब इसका यूज कर सकते हैं एंड अगर आपको पैनल वाले चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी इस पर तो वही चीज़ें आ जाएंगी, डेप्थ कितना रखना है आपको, विड्थ कितना रखना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ उसको 1.5। क्रिएट करेंगे डोर फ्रेम को और उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इसको मैं यहाँ से इसके स्केल कर लूंगी उस तरीके से। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पे बेकरी टाइप्ड है हमें यहाँ पे भी रखना है, तो इसमें भी हम सेम करेंगे, ग्रुप के अंदर जाएंगे, इतने पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे बाहर की तरफ, ग्रुप के बाहर आके आपको कंट्रोल वी करना है, प्लेस करेंगे इसे और इस पूरे पार्ट को यहाँ से हम एक्सट्रूड करेंगे। 3 इंचेस रखा था हमने उस टाइम, तो अभी भी उतना ही रखना है आपको। इसके बाद जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे सोफा वगैरह है एंड यहाँ पे टेबल्स वगैरह को लगाना है हमें, तो मैं उसको डाउनलोड करूंगी। आप चाहे तो 3D Warehouse से ले सकते हैं, बिकॉज मैं इसके अंदर रेंडरिंग एंडस्केप के अंदर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से एंडस्केप ऑब्जेक्ट का भी यूज कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एसेट लाइब्रेरी के ऊपर, देन आपको उस कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट करना है वहां से, और जहाँ पे भी आपको चाहिए आप वहाँ पे उसको इस तरीके से इजिली प्लेस कर सकते हैं। जितने भी कंपोनेंट रहेंगे मैं इसी तरीके से उसको सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पे उसको इजीली पेस्ट कर दूंगी।
Thank you.
इसके बाद इसके अंदर हमें मटेरियल को प्लेस करना है। तो मटेरियल को लगाने के लिए आप या तो एग्जिस्टिंग मटेरियल को ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से चूज़ किया कलर के अंदर से, एंड यहाँ पे आपको कलर जो भी चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ से ये ट्रांसलूसेंट ग्लास ग्रे आपको ग्लास एंड मिरर में मिल जाएगा, तो ये वाला मटेरियल चूज़ किया है मैंने। एंड ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे मुझे इसको प्लेस करना है वहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा वाइट करूँगी मैं यहाँ पे इस तरीके से। तो जितने भी मटेरियल्स हैं यहाँ पे मैं उन सभी पे अप्लाई कर दूँगी। आप इसकी ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना इसको विजिबल रखना है। एंड अगर आपको बाहर से किसी मटेरियल को ऐड करना है तो आप यहाँ से क्रिएट पैनल में जाएंगे। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फोल्डर को चूज करने का। सो कुछ मटेरियल्स है जिसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं उसी को चूज करूँ यहाँ पे। तो जो भी मटेरियल आपको चाहिए आपको उसको जस्ट सिलेक्ट करना है। जैसे ये वाला है इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओपन करेंगे और जहाँ पे भी आपको चाहिए अब इसकी ओपेसिटी को हमें फुल करना है एंड देन इसको ओके करेंगे तो मटेरियल ऐड हो जाएगा। एंड जिस भी पोर्शन में आपको ये चाहिए आपको जस्ट वहाँ पे पेंट बकेट टूल ले लेना है और उस मटेरियल को इस तरीके से अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से मैं जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी पे अप्लाई कर दूंगी मटेरियल को। इसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे बॉक्स बनाया है तो इसके अंदर अब मैं लाइटिंग का वर्क करूँगी। एंड ये जो बाहर वाला हमने बनाया है यहाँ पे हमने कोई ग्लास वगैरह नहीं लगाया है, सो आपको डबल क्लिक करना है इसके अंदर और सबसे पहले हम लोग ग्लास को बना देंगे एंड इसके बाद हम लोग लाइटिंग करेंगे। तो यहाँ से लेंगे हम और इस टाइप से एक रेक्टेंगल को बनाना है आपको।
है।